हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोइन स्विच कुबेर ऐप में जो फिलहाल यूपीआई फंड ऑप्शन को, डिपॉजिट ऑप्शन को डिसेबल कर दिया गया है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर, हम जो कोइन स्विच कुबेर ऐप है उसमें फंड को डिपॉजिट नहीं कर पा रहे और कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो, वो भी यूपीआई का यूज़ करके। तो फिलहाल जो इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जो है कोइन स्विच कुबेर और वजीरेक्स, उन दोनों पर ही जो फिलहाल यूपीआई के जरिए जो फंड डिपॉजिट करने का ऑप्शन आता था, उसको डिसेबल कर दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, जो जिसका नाम है बाइनेंस। जो बाइनेंस है वो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके जरिए उस पर जाकर आप बड़ी आसानी से यूपीआई का यूज़ करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाइनेंस पे। जैसे ही अगर आपने अभी तक बाइनेंस पे अकाउंट ओपन नहीं किया, तो आप प्ले स्टोर पे जाके बाइनेंस को सबसे पहले बाइनेंस को डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाती है, बिटकॉइन और इथेरियम, सी बाइनो एट्सेट्रा। तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको सी बाइनो को बाय करके दिखाऊंगा कि आप कैसे आप सी बाइनो को बाय कर सकते हैं। तो जैसे हम सी बाइनो पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो हम ट्रेड पर क्लिक करेंगे, और ट्रेड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आते हैं जो मिनिमम हम 10 रुपये के बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 करोड़ के बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको 10 रुपये की बाय करके दिखाऊंगा। तो हम बाय सीप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बाय सीप पे क्लिक करेंगे, तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है यूपीआई का। तो जैसे हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं, तो हम कन्फर्म नो पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म नो पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है, जो फिलहाल जो जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम है संजय, और इसकी यहाँ पर जो यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल जो इसकी यूपीआई आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो हम यूपीआई पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे हम पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने जो उसकी यूपीआई आईडी यहाँ पे शो हो रही है, जो नाम है इसका लाधव पर्वती, और जो इसकी यूपीआई आईडी है, तो हम इसकी पेटीएम की यूपीआई आईडी कॉपी करेंगे। और यूपीआई आईडी कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेटीएम पे। पेटीएम पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट उसमें इसको पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं, तो हमारे सामने उसका नाम यहाँ पे शो होने लगता है, और हम पेनो पे क्लिक करेंगे। पेनो पे क्लिक करने के बाद हम पे करेंगे। जैसे ही हम पे करते हैं, तो जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हम जाएंगे अब बाइनेंस पे। बाइनेंस पे जाने के बाद जो ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने जो फिलहाल जो टाइमिंग 2 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग आ रहा है, जो पेमेंट सक्सेसफुल होने का। तो अभी 1-2 मिनट हम वेट करते हैं जो फिलहाल जो ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो शिबाइनो जो फिलहाल इसका जो करंट प्राइस हमको जो मिल रहा है 22,52, जो फिलहाल जो क्रिप्टो अमाउंट है वो है 44,404 शिबाइनो टोकन। जो फिलहाल इसका जो नेम है वो है लाधव प्रवाथी, और जो इसका जो यूपीआई आईडी है ये सामने हमारे शो हो रही है। तो जो फिलहाल अभी जो टाइमिंग पीरियड रह गया वो रह गया 1 मिनट 41 सेकंड का। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, और हमको जो क्रिप्टो करेंसी मिल चुकी है, जो शिबाइनो टोकन हमारे जो पेमेंट वॉलेट में उसमें आ चुके हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम बाइनेंस पे जाके कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं, वो भी यूपीआई का यूज करके।
तो चलिए मैं आपको जो अपनी क्रिप्टो वॉलेट है उसमें दिखाता हूँ। जैसे हम वॉलेट पे जाएंगे तो हमारे सामने जो फिलहाल जो हमारी जो शिबाइनू टोकन हमारे वॉलेट में आ चुके हैं। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से बाइनेंस पे जाकर यूपीआई का यूज़ करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो अलग सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।